लोकसभा में बेनामी ट्रांजैक्शंस बिल पास, राज्यसभा की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा बिल। बिल के पास होने के बाद सरकार को अघोषित संपत्ति जब्त करने का मिलेगा अधिकार। देवास एंट्रिक्स डील में इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में अपील करेगा भारत। देवास एंट्रिक्स डील में भारत के खिलाफ फैसला कल आया था। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में राठी स्टील एंड पावर के तीन प्रमोटर्स को सजा का ऐलान। एमडी और सीईओ को 3-3 साल, जबकि एजीएम कौशल अग्रवाल को 2 साल की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोएडा में सुपरटेक के एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट की जांच के आदेश। एनबीसीसी करेगी निर्माण में सुरक्षा नियमों के पालन की जांच। 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन टावर्स को गिराने का दिया था आदेश। आज के कारोबार में बाजार में रहा उतार चढ़ाव। सेंसेक्स 48 और निफ्टी 25 अंक चढ़कर बंद। बैंक, ऑटो और आईटी शेयरों में दिखी खरीदारी। उम्मीद से बेहतर रहे भारतीय एयरटेल के नतीजे। कंसोलिडेटेड मुनाफा 13% से ज्यादा बढ़कर 1,462 करोड़ रुपए। कंसोलिडेटेड आय भी 5.5% बढ़ी। उम्मीदों पर खरे उतरे येस बैंक और एचडीएफसी के नतीजे। पहली तिमाही में येस बैंक का मुनाफा 32% बढ़ा। प्रोविजनिंग में दिखा 111% का उछाल। एचडीएफसी के मुनाफे में 37% का इजाफा। अनुमान के मुताबिक रहे बजाज ऑटो के नतीजे। पहली तिमाही में स्टैंड अलोन मुनाफा 2% बढ़ा। आय में भी 3.5% का इजाफा। नीति आयोग की देश की प्रगति के लिए बड़े प्लान की तैयारी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के साथ करेंगे बैठक। 15 साल के विजन डॉक्यूमेंट को मिल सकता है अंतिम रूप। आईफोन जल्द भारत में खोल सकता है स्टोर। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने दिए संकेत। टिम कुक ने कहा भारत एक बड़ा मार्केट है।